बंधुओं, सृष्टि में नरक स्वर्ग के बाद आता है वैकुंठ तब अवध। किसको कहा जाता है? अनेक तरह की भ्रांति के शिकार हो जाने से लोग अंड का बंड अर्थ निकालते हैं ना समझे कारण यथार्थ तो उसका स्वरूप नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा यथार्थ पहलू पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। नरक किसे कहा जाता है? नरक माता के गर्भ को कहा जाता है जो बार बार जन्म मरण में पड़ता है, अनंत गर्भवास की योनियों में जो भटकता है वही नरक है। वैसे मानव तन को छोड़कर बाकी सारा योनिया नर की योनि है। तो नारकीय योनि क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव शरीर से ही, मानव शरीर जितना बढ़िया, मानव शरीर इतना खराब कोई योनिये नहीं है। बढ़िया इसलिए है कि इस मानव शरीर से भक्ति मिलता है। बड़ा भाग मानव स्तन पावा, सुर दुर रब सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मक्ष के द्वारा, यही न पाई परलोक सवारा। तो सोई परपत दुख पाई के श्री धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया। यानी मनुष्य शरीर मुक्ति का दरवाजा है, यानी मनुष्य शरीर से भगवान को भी पाया पाया जा सकता है। और मनुष्य शरीर से ही जितनी भी गलतियां होती हैं, चोरी, व्यभिचार, सुदखोरी, अनैतिक कार्य, भ्रष्टाचारी, ये सब दूसरे को नहीं किया जाता है, अपने शरीर पर, अपने माथे पर वो कर्जा लादता है मनुष्य। जो भी करता है, एक सुई के नोक बराबर भी अच्छा या बुरा, उसको भोगना पड़ता है जन्म जन्मांतरों में। तो कर्म बीज मिटता ही नहीं, बीते जन्म करोड़, जिस योनि में जन्म लेते विधाता जोड़। चूंकि परमात्मा एक ऐसी सत्ता है जो मनुष्य का कर्मों का रेख जैसा किया रहता है, उसको जन्म जन्मांतरों में उसका संस्कार बनकर उसको सामने आता है, भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। तो कोई भी बुराई करता है तो दूसरे को बुराई नहीं होता, वो अपने आप अपने माथे पर कर्ज लाद लेता है। इसलिए मनुष्य जन्म इतना खतरनाक कोई योनि भी नहीं है। और नरक के बाद आता है स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब क्या होता है? जो श्वास का भजन पकड़ में आ जाए, मन जब सुख पूर्वक श्वास का भजन में प्रवाहित हो जाए, उस सुख मना अवस्था कहा जाता है। सुख मन यानी मन जो सुख पूर्वक श्वास के भजन में प्रवाहित रहे, उसी को स्वर कहा गया। और संकल्प विकल्प की गति जब रुक जाती है तो मन की विजेता अवस्था होता है। स्वर के बाद आता है वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? कुंठ माने किनारा, वैकुंठ माने बिना नापतोल का, बिना किनारा का, जो असीम अनंत है। तो असीम अनंत कौन है? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनुभव गम भजे ही यही संता। अनुभव अनंत परमात्मा की रानी होती है। तो जब वो वैकुंठ की रानी कैसे आती है? तो जगत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, सुरत डोर लागी रहता टूट न जाए। जगत सोवत शरण तुम्हारे, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसे तिनके मन माही। जब इस तरह के तेलवत धारावाद
धारा प्रवाह जब पानी के बूंद जैसा टप टप नहीं, तेल के धार जैसे जैसे तार जैसा पकड़ा रहता है, उसमें गैप नहीं होता है। इस तरह जब 24 घंटा भजन में मन प्रवाहित हो जाता है, उसको कहा जाता है वैकुंठ। अगर श्वास भजन के अलावा एक भी गैप पड़ गया, छोड़ दिया, तो वहां माया भी घुसकर उसमें साधक को विचलित कर देती है। इसलिए 24 घंटा जो भजन में प्रवाहित रहता है, तो माया को कहीं गैप नहीं मिलेगा कि वो आपको अंदर आकर प्रवेश कर किस तरह से व्यवधान डाले। इसलिए वो वैकुंठ निवासी हो जाता है। इस स्तर के भजन पकड़ लेने के बाद भगवान को बहुत प्रिय होता है, और इस स्थिति के बाद जब होता है अवध, बध मने मर जाना, अबध मने न मरना, जिसे सत को अलगाकर असत कहा जाता है, उसी तरह बध को अलगाकर अवध कहा जाता है। तो अवध अबाध स्थिति, अवधु बेगम देश है मेरा, जहां बिने से तहाना उपजे, जहां ता काल का फेरा, तहन ईश्वर जीव न माया पूज्य पूजन छेड़ा, कहे कबीर सुना भाई साधु वहां नहीं द्वैत बखेड़ा। यानी द्वैत मने दो का लफड़ा ही समाप्त हो जाता है, सिर्फ वहां एक को ब्रह्म दियो नास्ति, वहां सिर्फ एक परमात्मा है। जितने भी अनादि काल से महापुरुष होते आए हैं, उसी परमात्मा भाव को पाकर उसी भाव में लीन हो जाते हैं। लेकिन जिसकी श्रद्धा जिस महापुरुष पर रहता है, जहां झुकता है उसका ही रूप में भगवान दर्शन देते हैं। राम को मानते हैं तो राम के रूप में आएंगे, शिव को मानते हैं शिव के रूप में आएंगे, हनुमान को मानते हैं तो हनुमान के रूप में आएंगे, और अपने गुरु को अगर तत्वदर्शी हैं, अगर वो वैसा मानते हैं तो उसके रूप में आएंगे। यानी अबाध स्थिति हो जाती है, यानी जन्म मरण से परे हो जाते हैं। यही नरक स्वर्ग वैकुंठ और अवध का यथार्थ स्वरूप होता है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में अनंत साष्टांग।